हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैसेज वायरल हुआ है और व्हाट्सएप पे हर किसी को आता रहता है। ये एटीएम के बारे में, जो एटीएम हैक होता है या आपको किडनैप कर लिया जाता है या फिर आपको मजबूर किया जाता है पैसा निकालने के लिए। तो पहले ये मैसेज देखिए, एटीएम ज़रूर पड़े और सेंड करना मत पड़े। क्यों? देखिए, यदि कोई एटीएम कार्ड समेत आपका अपहरण कर ले तो कोई विरोध मत कीजिए। ऐसा क्या करना है? वहाँ ताकि इच्छा न करे एटीएम मशीन में कार्ड डालिए, बाद में हिड़का आपका कोड वर्ड ट्रिगर्स में डाल कीजिए। ऐसे यदि आपका कोड वर्ड 1234 कीजिएगा, 4321 डायल कीजिए। ऐसा करने पर एटीएम आप खतरे को भाप कर पैसा तो निकालेगा, लेकिन आधा एटीएम मशीन में फंसा रह जाएगा। अच्छा, ये तो बकवास बात है लोगों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आधा पैसे एटीएम मशीन में फंस जाएगा गलत पिन डालोगे तो। अब गलत पिन डालोगे तो आपको इनवैलिड पिन करके मैसेज आएगा, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप एक दिन में 3 बार गलत पिन डालते हैं तो आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाता है रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे के बाद आपका एटीएम कार्ड ओपन हो जाएगा वापस। दूसरा भी इसमें क्या दिया है, इसी बीच में एटीएम मशीन खतरे को भाप कर बैंक और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कर देगा और साथ ही एटीएम कार्ड ऑटो लॉक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एटीएम मशीन खतरे को भाप कर किसी भी पुलिस स्टेशन को सूचना नहीं देता है। एटीएम मशीन का कनेक्शन सिर्फ बैंक के सर्वर के साथ होता है और एटीएम खुद से सिर्फ जो भी कार्ड उसमें एंटर किया जाता है, जो जानकारी उसमें दी जाती है, कैश विड्रॉल या मिनी स्टेटमेंट चाहिए या फिर आपका बैलेंस चेक करना है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन वो बैंक सर्वर को भेज देता है। और एटीएम कार्ड और ऑटो लॉक, ये तो बहुत ही बकवास की बात है। एटीएम कार्ड और ऑटो लॉक, बहुत से SBI की साइट्स पे एटीएम का मैग्नेटिक लॉक रहता है या फिर बहुत से बाकी के साइड से भी, जहाँ पर आपको डोर ओपन करने के लिए अंदर से बटन रहता है, स्विच रहता है और बाहर से कार्ड रीडर रहता है, उसमें आप कोई भी कार्ड डालिए डोर ओपन हो जाता है। अंदर से बाहर आने के लिए वहाँ पर डायरेक्ट स्विच रहता है, स्विच दबा के बाहर आ सकते हैं। ये सिर्फ इसके लिए रहता है कि ज़्यादातर ATM पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है और रात को कभी आदमी वगैरह नहीं है वहाँ पर, तो ATM रूम में कोई जानवर वगैरह जाके ना सो जाए, कुत्ता बिल्ली ऐसा कोई भी ना जाए जिसको कोई काम ना हो। सिर्फ इसीलिए डोर को मैग्नेटिक लॉक रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप रिवर्स पिन डालोगे और पैसा निकालोगे तो डोर लॉक हो जाएगा। इस तरह बगैर अपहरणकर्ता के भनक लगे आप सुरक्षित बच जाएंगे। ATM में पहले से ही सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ATM मशीन में सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, CCTV कैमरा रहता है, बाकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है ATM में। तो कोई आपको जबरदस्ती करे पैसा निकालने के लिए तो ये जो मैसेज है कि आप रिवर्स पिन डालिए तो आपका पैसा तो आएगा लेकिन पैसा आधा कट जाएगा या बीच में फंसा रह जाएगा या फिर पुलिस स्टेशन को ATM सूचना देगा, ये सब कुछ बकवास है, 100% बकवास है। ऐसी किसी भी बात पे आप भरोसा ना कीजिए। ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड भी मत कीजिए, तुरंत ही डिलीट कर दीजिए। कृपया गलत मैसेजेस व्हाट्सएप पे मत फैलाइए, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसे गलत मैसेज ना भेजिए। दिल्ली पुलिस ये किसी भी पुलिस स्टेशन से आपको ऐसा मैसेज नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसा मैसेज आता भी है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। जय हिंद।